हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। टुडे वी डिस्कस पॉलिटी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कोई बिल है जो वो कैसे पास होता है। आपको पता है कि आजकल काफ़ी चर्चा में है जो फार्मर बिल चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी बिल है वो कैसे पास होता है और बिल कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? तो सारे वो डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा, इसमें से क्वेश्चन भी ज़रूर आते ही आते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ अ बिल पास इन इंडिया एंड टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ द बिल। कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट विद द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एक्ट। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस इन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आफ्टर द ड्राफ्ट बिल आर पास बाय द पार्लियामेंट। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ बिल दैट आर इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। आइदर हाउस मीन्स राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है जी। तो पहले देख लें किस कितने टाइप के बिल हैं। फोर टाइप्स के बिल हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग से पता चल जाता है कि ये क्या है। फर्स्ट टाइप का बिल आता है ऑर्डिनरी बिल। बच्चा, इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, क्लियर, आर्टिकल 107 और 108। ये किसके लिए होते हैं? कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी मैटर पे जो बिल पास होता है वो ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। नेक्स्ट आता है मनी बिल। बच्चा, इसका आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है, 110, ठीक है। मनी बिल का आर्टिकल 110, मनी बिल का आर्टिकल 110 बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। ये क्या होता है? कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो इसके बारे में सारा मनी बिल में आता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल बिल, ठीक है, 171 और 173। ये भी फाइनेंशियल मैटर ही होते हैं, पर ये मनी बिल से अलग होता है। मनी बिल अलग हो जाता है, फाइनेंशियल बिल अलग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करनी है, उसके लिए भी बिल पास होता है। ये आर्टिकल 368। बच्चा, इसका आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन में कुछ अमेंडमेंट करना है, मीन्स कुछ चेंज करना है, क्लियर। तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चलता है, क्लियर। तो डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में, जो सबसे मेन ज़रूरी है, क्योंकि मनी बिल अलग से है, ठीक है। तो मनी बिल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो कहते हैं इंट्रोडक्शन, कहते हैं जो ऑर्डिनरी बिल है इन आइदर हाउस की, उसकी इंट्रोडक्शन लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में, मनी बिल पर राज्यसभा का कोई वो नहीं है, तो ये सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है, क्लियर। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन करता है इसको इंट्रोड्यूस? मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, कोई भी कर सकता है, ओनली अ मिनिस्टर, ठीक है। इसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा? सिर्फ मिनिस्टर। प्रेजिडेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे नीड नहीं है, ओनली आफ्टर द रिकमेंड, क्लियर। और राज्यसभा का रोल क्या है? कैन बी अमेंड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, और कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। इट हैज़ रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन, क्लियर। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। अगर ऑर्डिनरी बिल कोई लोकसभा वाला पास कर रहा है, कि कोई भी बिल है लोकसभा ने पास कर लिया, कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो राज्यसभा का उसमें रहता है कि उसको रिजेक्ट कर सकती है, कि नहीं नहीं तो ये बोल सकते हैं कि इस बिल में ये चेंजेस करें, मीन्स उस बिल में राज्यसभा को बोलने का पूरा अधिकार है। पर ये जो मनी बिल रहता है, ये सिर्फ लोकसभा का रहता है, राज्यसभा ना तो इसको रिजेक्ट कर सकती है, ना ही अमेंड कर सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, क्लियर। कैन बी डिटेन बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये अपने पास 6 मंथ के लिए रख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है जो मंथ डेट्स, इसमें बच्चा पॉलिटिकल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मंथ्स और डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 6 मंथ तक अपने पास रख सकते हैं, जैसे लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आ गया तो वो कोई भी जवाब ना दे, तो 6 मंथ तक अपने पास रख सकते हैं। पर इसमें क्या है, कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा द मैक्सिमम पीरियड 14 डेज, सिर्फ 14 डेज के लिए रख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी बिल कितने देर तक रख सकते हैं और मनी बिल कब तक रख सकते हैं, ठीक है जी। प्रेजिडेंट एसेंट, कैन दे सेंट फॉर हिज एसेंट ओनली आफ्टर बींग अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस। कोई बिल अगर दोनों राज्य में, दोनों हाउस में पास हो गया, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, ठीक है। सेंड फॉर हिज एसेंट ओनली आफ्टर लोकसभा अप्रूवल, राज्यसभा अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, क्लियर, कुछ भी कर सकता है। इसमें भी कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव बट कैन नॉट बी रिटर्न। रिजेक्ट कर सकता है, जो अप्रूव कर सकता है, रिटर्न फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेजिडेंट, ठीक है, कैन नॉट बी रिटर्न। इनको आपने याद रखना है बच्चा, क्लियर। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन केस ऑफ डेड लॉक, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। बच्चा, ज्वाइंट सिटिंग का एक फुल फ्लैश टॉपिक है जो मैं आपको अलग करवाऊंगी। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ व्हाट इज ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग में क्या है,
कोई भी बिल है जैसे ये लोकसभा से पास होके आ गया ठीक है, और राज्यसभा में गया ठीक है, उनके आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं ठीक है, तो वो ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाती है जिसमें लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं ये मीटिंग, तो उस पर ये डिस्कशन की जाती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। अब ज्वाइंट सिटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या आता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है ठीक है जी, मीन्स समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्लस उसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, मीन्स उसका एज अ हेड कौन होता है, वो स्पीकर होता है ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि नो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो इसमें चांस ही नहीं है डिसएग्रीमेंट का, तो ज्वाइंट सिटिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, इसमें राज्यसभा का रोल ही नहीं है मनी बिल में। बच्चा ये आपको प्रॉपर नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में ठीक है, आप वहाँ से जाके नोट्स लेके अपना नोट्स बना सकते हैं देख के ईजिली ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लगता है आपने सिर्फ समझना समझना, आप सिर्फ सुन लीजिए कि क्या चीज़ क्या होती है, उसके बाद अगर आपने नोट्स बनाने हैं आप साथ साथ में बना सकते हैं, रुक रुक के वीडियो को रोक रोक के बना लीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐप में जाके नोट्स को ले सकते हैं क्लियर। तो अब इसके स्टेप्स क्या हैं, कहते पहले ऑर्डिनरी बिल के पास होने के स्टेप देखेंगे कैसे कैसे पास होता है। पहले आती है जी फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में क्या है, अ मिनिस्टर अ मेंबर, जब कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस अ बिल इन आइदर हाउस, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराएगा चाहे राज्यसभा में, ही आस्क फॉर लीव बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, ही रीड्स अ लिटल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल क्लियर, आफ्टर द इंट्रोडक्शन द बिल इज पब्लिश इन गजट ऑफ इंडिया, अगर बिल पास हो जाता है तो गजट ऑफ इंडिया में आ जाता है। अब कि नेक्स्ट क्या, फर्स्ट में नो डिस्कशन ऑन बिल टेक प्लेस इन दिस स्टेज, इस पर डिस्कशन नहीं होती क्लियर, इफ द बिल इज अ पब्लिश इन द इंडियन गजट बिफोर इट इंट्रोडक्शन द मिनिस्टर मेंबर डज नॉट हैव आस्क फॉर लीव ठीक है जी। तो सेकेंड स्टेज क्या रहती है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, तो उस पर डिस्कशन रहती है, फोर एक्शन कैन बी टेकन ऑन हाउस ऑन द बिल ठीक है, इट मे टेक द बिल इन टू कंसिडरेशन इमीजिएटली और सेम अदर फिक्स डेट ठीक है, इट मे रेफर द बिल टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाता है, रेफर कर देते हैं, इट मे रेफर द बिल टू ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट की दोनों पे हमारे विचार, जब विचार ना मिल रहे हो तो दोनों को इकट्ठा बुला सकते हैं ठीक है, इट मे सर्कुलेट द बिल ऑफ लिक्ड पब्लिक ओपिनियन ठीक है, पब्लिक ओपिनियन के लिए जाएगा। अब कहते हैं सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी क्या है, ऊपर दो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, ज्वाइंट कमेटी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेलेक्ट कमेटी क्या है, हैज़ मेंबर ऑफ द हाउस वेयर द बिल इज इंट्रोड्यूस ठीक है, जहाँ बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और ज्वाइंट कमेटी हैज़ मेंबर फ्रॉम द बोथ ऑफ हाउस क्लियर, जिसमें दोनों हाउस के मेंबर रहते हैं ठीक है जी। कमेटी स्टेज क्या रहती है, सेलेक्ट कमेटी एग्जामिन द बिल थॉरली एंड डिटेल एंड क्लोज बाय क्लोज, सेलेक्ट कमेटी है उसको थॉरली क्या है डिस्कस देखती है, उसकी डिटेल पर जाती है, इट कैन ऑल्सो बी अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट द ऑल्टरनिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग, वो इसको अमेंड कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिक्योरिटी एंड द डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस, तो उसको डिस्कस करके वो क्या है कमेटी उनको वापस दे देंगी ठीक है, रिपोर्ट दे देंगी। कंसिड्रेशन स्टेज क्या रहती है, द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमेटी, अब सेलेक्ट कमेटी ने सारा उसको देख लिया, उसकी डिटेल वगैरह पढ़ के उन्होंने वापस दे दिया, तो अब क्या है हाउस में वापस आ गया सेलेक्ट कमेटी से, कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लोज बाय क्लोज, अब हाउस वाले देखेंगे, ईच क्लोज इज डिस्कस एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, तो हर क्लोज को डिस्कस किया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी ठीक है, द मेंबर कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल क्लियर, तो ये क्या है बिल का पार्ट बन जाएगा। अब आ गई थर्ड रीडिंग, इसमें दो एक्शन होते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्लियर, एक्सेप्ट में क्या आएगा, इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्टिंग द बिल इज रिगार्डेड एज पास बाय द हाउस ठीक है, अब बिल पास बन के आ गया, तो अब क्या है जो हाउस में उसकी मेजोरिटी देखी जाएगी, जो मेजोरिटी है तो वो बिल पास हो जाएगा ठीक है। रिजेक्शन में जैसे नो अमेंडमेंट टू द बिल आर अलाउड क्लियर, रिजेक्शन में एक्चुअली क्या आएगा, रिजेक्शन में तो सिंपल ही आ गया, अगर मेजॉरिटी नहीं बनती है तो वो क्या है रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है। कहते हैं नोट इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, नो अमेंडमेंट टू द बिल आर अलाउड, अ बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट ओनली वेन बोथ हाउस हैव एग्रीड इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट ठीक है, तो दोनों ही हाउस को हो तो भी हो पास होता है बिल ठीक है। बिल इन द सेकेंड हाउस, अब वो क्या है सेकेंड हाउस में चला गया, द फर्स्ट थ्री स्टेजेज आर रिपीटेड हेयर, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, यहाँ पे भी सेम होगी ठीक है, जैसे लोकसभा से निकल के आया तो राज्यसभा में भी यही प्रोसीजर रहेगा, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग क्लियर। आगे नेक्स्ट चार एक्शन वही, कहते इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, उसने क्या क्या बिल वहाँ से आया
तो उन्होंने पास कर दिया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की। इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू फर्स्ट हाउस। तो क्या करेंगे, वो बिल में अमेंडमेंट करके मीन कुछ चेंजेस करके फर्स्ट हाउस को भेज देंगे। इट मे रिजेक्ट द बिल, तो वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट मे नो टेकन एनी एक्शन दस कीप बिल पेंडिंग, वो बिल को पेंडिंग भी रख सकते हैं। हमने पहले पढ़ा ऑर्डिनरी बिल को हम पेंडिंग रख सकते हैं, क्लियर। कहते हैं बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ बोथ हाउस एक्सेप्ट द बिल एंड अमेंडमेंट। इफ द सेकेंड हाउस टेक नो एक्शन फॉर 6 मंथ, अगर सेकेंड हाउस बिल पे 6 मंथ तक कोई भी एक्शन नहीं लेता, द डेड लॉक अपीयर विच इज एक्टेड अपॉन थ्रू ज्वाइंट सिटिंग समन बाय द प्रेजिडेंट। मैंने आपको पहले बताया था कौन समन करता है, प्रेजिडेंट। तो फिर क्या होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी, क्लियर। तो दोनों हाउस को पूछा जाएगा क्या क्या व्यूज है उनके, ठीक है। अब प्रेसिडेंट एसेंट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, मे गिव द एसेंट द बिल बिकम एन एक्ट एंड प्लेस्ड ऑन द स्टेट बुक। तो अगर तो प्रेसिडेंट भी इनको ओके कर देता है तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। मे विदाउट हिज विद होल्ड हिज एसेंट टू बिल द बिल एंड एंड डज नॉट बिकम एक्ट, अगर वो होल्ड पे रख लेता है। मे रिटर्न द बिल, अगर बिल रिटर्न उनको भेज देते हैं कि कुछ अमेंडमेंट करो, ठीक है, तो वापस फिर दोबारा अमेंडमेंट होके आता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आता है, ये बच्चा इसकी पावर होती है, हम पावर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो इसकी पावर में आ जाता है। तो अब ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, अब नेक्स्ट आ जाता है मनी बिल कैसे पास होगा। कहते अनलाइक ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ अ मस्ट, ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। द बिल मूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टर्म एज गवर्नमेंट बिल। तो इसको क्या यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट बिल, और गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस बाय ओनली द मिनिस्टर। तो उसमें क्या था, ऑर्डिनरी बिल में कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस करवा सकता था। आफ्टर लोकसभा पासिस द बिल इट मूव टू राज्यसभा विच ओनली रिस्ट्रिक्टेड पावर, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड। राज्यसभा के पास जाएगा जरूर पर ना रिजेक्ट कर सकते हैं ना ही वो अमेंड कर सकते हैं, और कितनी देर तक अपने पास रख सकते हैं, 14 डेज तक रख सकते हैं, क्लियर। इफ इट डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन द प्रिस्क्राइब डेज द बिल डीम टू हैव बीन पास, अगर वो वापस नहीं भेजते तो वैसे ही पास माना जाएगा। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, अगर वो अमेंडमेंट्स देते हैं तो लोकसभा पे डिपेंड है वो माने या ना माने। आफ्टर पासिंग थ्रू द बोथ द हाउस द प्रेजिडेंट एसेंट द रिक्वायर्ड ही कैन टेक टू एक्शन गिव और विद द होल्ड, उसको पास कर सकता है नहीं तो उसको होल्ड पे रख सकता है, ठीक है। पर वो क्या है, उसको वापस नहीं भेज सकता कि उसको दोबारा रिकंसर्न किया जाए, क्लियर। कहते हैं आफ्टर प्रेजिडेंट एसेंट द बिल बिकम अ एक्ट, तो क्या है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है जी। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी लोकसभा या राज्यसभा से वो स्टार्ट हो सकता है, इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं पास होगा, क्लियर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे क्या है इनका, क्या पावर होती है इनके पास। आइदर ये भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट, तो परमिशन नहीं चाहिए प्रेजिडेंट की। मेजोरिटी मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ मोर देन द 50%, तो इसमें मेजोरिटी चाहिए पास होने के लिए, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। ज्वाइंट सिटिंग, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेड लॉक, तो इसमें क्या है, नहीं जरूरत पड़ेगी। रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल रहेगा। कहते इफ द बिल सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजिडेंट वोटिंग, तो इसमें भी मेजोरिटी के साथ जाता है, ठीक है बच्चा। लेजिस्लेचर क्या रहती है ये सारी हम डिस्कस करेंगे, अब बीच में आपको समझाऊंगी तो नहीं समझ आएगा। तो इट मस्ट गिव द एसेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास परमिशन के लिए जाएगा। ही कांट रिटर्न द बिल, ही कांट विदहोल्ड द बिल अनलाइक इन केस, ठीक है, तो ना तो वो रिटर्न करेगा ना ही विदहोल्ड करेगा जैसे वो ऑर्डिनरी बिल को कर देता है, ठीक है। आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट, तो वो क्या बन जाता है, अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, क्लियर। तो ये सारे मेथड थे जो क्या है, बिल को, जो बिल, कोई भी बिल है जो हमारा पार्लियामेंट में पास होता है, क्लियर। तो दोनों कौन सा, ऑर्डिनरी बिल हो गया, ठीक है, दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है,
क्लियर दो, जो मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में जाना जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो भी दोनों हाउस में जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, जो इनके आर्टिकल है, मैं आपको बोला है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनके आर्टिकल मस्ट मस्ट पढ़ने हैं। और कितने दिन वो अपने पास होल्ड रख सकता है, 6 मंथ, 14 दिन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन एज सच आएंगे, वो सीधा आ जाएगा कि लोग मनी बिल को कितनी देर के लिए होल्ड रखा, सिर्फ 14 दिन, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, 30 डेज भी होगा, 60, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओ यार लोकसभा का था कि राज्यसभा का था, ईजिली पढ़ो, ठीक है, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ें और माइंड में रखें, ठीक है, इसको बच्चा एक दो बार रीड करो। आप ये मत सोचिए कि मैंने एक बार पढ़ा दिया और आपको याद हो गया, ऐसे नहीं याद होता आपको, एक बार सिर्फ थ्रू आपको ये 2-3 दिन तक ही याद रहता है, पर एग्ज़ाम तक क्या है, आप इसको माइंड में स्किप हो जाती हैं, जो मेन मेन चीज़ है, आर्टिकल स्किप हो जाएगा, 110 था कि 115 था, 110 किसका था, 115 किसका था, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं, क्लियर। तो इनको आपका रीडिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में पॉलिटिकल के बाकी सारे टॉपिक भी पढ़े हैं, आप ज़रूर उस पर गो थ्रू हुए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।